how do you impress a girl? By following them and whistling and all. Whistling? कैसे whistling करते हो लड़की को देख के? तो किसी लड़की को इम्प्रेस करना है सो यू हैव टू लाइक शट डाउन योर ईगो. उसे पटाया जाता है स्टाइल से. हाय किस स्टाइल से पटायो? अरे उसको घुमाया टहलाया खिलाया पिलाया मौज मस्ती घुमाया इस तरह पटाए. द बॉय शुड बी प्रेजेंटेबल फर्स्ट ऑफ ऑल एंड ही शुड नो हाउ टू स्पीक अ गुड इंग्लिश. ओके एंड गुड लुकिंग ऑफ कोर्स. ओके मींस कि अगर गाय इंग्लिश बोलेगा तो आप उसे इंप्रेस हो जाओगे? नो नॉट ऑलवेज इंग्लिश दैट इज नॉट द प्रायोरिटी. द प्रायोरिटी इज ही शुड बी प्रेजेंटेबल. अपने स्टाइल से मतलब लड़कियों को मतलब इंप्रेस करना रोज दे करके या चॉकलेट दे करके. आई हाय अपनी स्टाइल में लड़कियों को इंप्रेस करते हैं. गर्ल को इंप्रेस करने के आई थिंक कि सबसे पहला ड्रेसिंग सेंस काउंट्स क्योंकि जो वो दिखेगा उसी से इंप्रेस होती हैं गर्ल्स मेनली. आप भोकाली प्रोडक्शन से हैं पर भोकाली नहीं होनी चाहिए क्योंकि जब भोकाली पता चलती है तो बहुत दिक्कत होती है. मस्ट बी एडुकेटेड एंड लविंग केयरिंग होना चाहिए बहुत ज़्यादा एंड गुड सेंस ऑफ ह्यूमर बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इनको इम्प्रेस करने के लिए कुछ एफर्ट्स करते हैं ना लड़की तो वो किस टाइप के एफर्ट्स होते हैं? दैट वी वांट टू नो. आई रियली डोंट थिंक सो. लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए लड़कों को जस्ट बी व्हाट दे आर. डू यू थिंक हाउ डू बॉयज इम्प्रेस अ गर्ल्स? ही शुड बी कूल. He should be smart and he should be impressive. Lovers point का मतलब ये होता है कि जैसे कि ये होते हैं कि मतलब thinking ये होती same होती है but क्या होती feeling same नहीं होती है. Feeling same नहीं होती. Yeah. किस type of feeling की बात कर रहे हैं आप? एक बार रोका था लड़की से बात किया था. क्या रोका आपने? मतलब उसको देखा वो अच्छी लग रही थी मैंने और उससे जाके बात किया तो उसने मना कर दिया. And you have to be a little serious about what she needs, what she likes. So next day, फिर उससे बात किया तो फिर भी मना कर दिया. फिर हमने लाओ एक बार और ट्राई करते हैं. फिर उसने मना नहीं किया. फ्रेंडशिप हो गई हमारी और आज वो मेरी गर्लफ्रेंड है. हेलो भाई. हेलो. किसी स्ट्रेंज लड़की को पटाना हो उसे इम्प्रेस करना हो तो क्या करोगे? काफी डिफिकल्ट है. मतलब काफी डिफिकल्ट क्या डिफिकल्ट है? अब डर रहेगा मन में. पहली स्टार्टिंग तो स्माइल से होती है. दूसरी स्टार्टिंग आईज कॉन्टैक्टिंग. ऑब्वियसली ही शुड प्रोटेक्ट मी. अगर आई एम इन एनी डेंजर तो ये नहीं कि वो पहले भाग जाए. ही शुड ऑलवेज प्रोटेक्ट. मतलब कि यू वांट अ बॉडी बिल्डर? या ऑफ कोर्स आई वांट अ लाइक हंग बॉय. नॉट आई डोंट वांट अ सीधा साधा टाइप ऑफ बॉय. अच्छा की लड़की को इम्प्रेस करने के लिए आप क्या करते हो? मैं उसे प्रपोज करता हूँ गिफ्ट दे के. अभी तक कितनी लड़की को प्रपोज किया है गिफ्ट दे के? दो. ये भी कुछ तो इंप्रेस करने के लिए करते होंगे लड़के. क्या करेंगे लड़के ऐसे इंप्रेस कर लेते हैं लड़के को. अभी तक कितनी लड़कियों को बताया आपने? मैंने कल मिला के बोल रहे हैं क्या? ब्रेकअप कराया. गिन नहीं सकता. इफ यू गाइस लाइक आवर वीडियो देन लाइक्स और कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करो ना एंड शेयर आवर वीडियो. प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल. प्लीज. उसका मतलब होता है कि मुझे मेरे हिसाब से और मेरे राइट्स के अकॉर्डिंग मुझे जैसा मैं जीना चाहूँ वैसे जी सकूँ. फ्रीडम इज लाइक फॉर मी इज अ रिस्पेक्ट. इफ यू हैव नो रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी यू आर नॉट फ्री फॉर एनीथिंग. मेरे को नहीं लगता कि हमारे इंडिया में आज भी आज़ादी पूरी तरह से मिल पाई है.